नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है एमएफ फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम आए हैं अहमदगढ़ पंजाब के अंदर, जहां पर स्प्रेमैन कंपनी अपने वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है। जी हां, ऑल इंडिया के अंदर जो कि काफी फेमस ब्रांड आज के समय पर चल रहा है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो बहुत ही टॉप की होती है और इनका वारंटी और डिलीवरी सिस्टम बहुत ही गजब का है। तो चलिए आज के प्रोडक्ट के बारे में इनसे जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार जी, स्वागत है मंजीत जी आपका। स्वागत है किसान भाइयों आपका। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। तो मैं आपका दोस्त मनीष कुमार राज सेन एग्रो इंजीनियर से आज, जैसे कि मंजीत जी ने बताया है, अभी हमारा धान का जो बिजाई का टाइम चल रहा है और आगे चल के हमने स्प्रे वगैरह करनी है। तो हमने इस स्प्रे के लिए कुछ बिल्कुल हटके नए मॉडल जो स्प्रे के लॉन्च किए हैं, तो आज हम उनके बारे में आपको बताएंगे। जी सर, तो इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ से बताते चलिए, ये कितनी क्वालिटी के अंदर आते हैं। देखो, हम ऐसे तो ये स्प्रेयर आजकल चाइना से बहुत हज़ारों क्वालिटी के आ रहे हैं, बट हम लोग जो है इनोवेटिव काम करते हैं, थोड़ा हटके करते हैं। और मैंने अपनी जो है मैं पिछले 20-25 साल की मेहनत से ये स्प्रेयर के अंदर एक अच्छी क्वालिटी के लिए नाम जो है आप लोगों ने बनाया है। तो मैं अभी एक तो हमने ये वाला मेरा स्प्रे मैन 2000 मॉडल, जो इसके अंदर हमने डबल सक्शन दिया है, इधर से भी इसकी सक्शन है और उधर से भी इसकी सक्शन है, दोनों तरफ से ये पानी खींचता है। और इसके अंदर जो है हमने नॉर्मली ये वाला बड़ा फिल्टर दिया है। इसका बेनिफिट ये है कि ये आपके पीठ पे जब कंधे पे पानी लगा होता है, लोड किया होता है, तो थोड़ा बैलेंस बना के रखता है। इसके ढक्कन के अंदर ये वैक्यूम सील दिया, नॉर्मली जब पीठ पे लग जाता है कंधे पे तो लीकेज होती है, ऊपर से ये दिया है। इधर जो है ये वाला आप देखोगे ज़रा सिस्टम, आगे लोहे वाला होता था तो कई बार ये जंगाल लग जाती थी और ये स्विच जो है करंट हाथ नंगे हो जाते हैं कवर उतरने के बाद, तो ये सारा सिस्टम चेंज कर दिया। ये जैसे धान बड़ा हो जाता है तो वो बल्ली में भी फंसता था। और आगे हमने ये इसके ऊपर ये एल्यूमिनियम का स्टार्टर दिया है, नॉर्मली स्टार्टर रस्सी टूट जाती थी। और ये वाला कार्बोरेटर जो है इसके अंदर एडजस्टमेंट वाला बहुत ही अमदा क्वालिटी का कार्बोरेटर लगा हुआ है, तो ये मोटी मोटी जो है टांगे हैं इसकी। और सबसे बड़ी बात है जिसके साथ आप स्प्रे करोगे, ये गन जो है टर्बो गन है। और इसके आगे नॉर्मली अभी ये कैप दिया है, इसमें क्या है कि जो फोग है वो किसान की तरफ नहीं आती, जैसे हवा चल रही है नॉर्मली ये जब ऐसे पहले लूज होती थी तो उसके ऊपर इसका प्रेशर जो है आता था। और ये वाली अगर हम देखेंगे इसके अंदर बेल्ट नॉर्मली हल्की सी दे देते हैं क्योंकि इसका वजन 30-35 किलो होता है। ये नट बोल्ट वाले हमने इसके अंदर स्क्रू दिए हैं, ये लेदर की टोटली ये बेल्ट दी है ताकि आप 30-35 किलो का वजन उठा रहे हो तो थोड़ा आरामदायक हो। और एक हमने इसके अंदर आपको ये वाली गन, जो आपके माध्यम से मेरे को ये यूट्यूब चैनल पे दिखाएगा स्क्रीन शॉट, तो मैं इसको ये वाली गन के साथ, ये वाली एक 350 की गन है, वो फ्री देने वाला हूँ। ठीक है सर, इसके अंदर जो इंजन का यूज़ किया गया है वो कौन सा इंजन है सर? इंजन इसके अंदर 139F जो जामा टाइप इंजन है। और इसके अंदर जो हमने चेंज किया है, नॉर्मली जो हमारे पहले वाले इंजन थे उसके अंदर ये प्लग जो है ऐसे लूज होता था, ये प्लग के अंदर जैसे हमने केमिकल डालते हैं तो हल्का फुल्का यहाँ से पानी गिरने पे कई बार लोग किसानों की दिखे इस पर शॉर्ट हो जाता है या प्लग खराब हो जाता है, तो मैंने ये अपने ऐसा एक लॉक दे दिया है जो ऐसे करके इसको कवर कर देगा ताकि जो पानी है वो अंदर इसके ना घुसे। ठीक है सर, इसके अंदर 2-स्ट्रोक 4-स्ट्रोक का क्या मैटर है इसी मॉडल में? वो 2-स्ट्रोक 4-स्ट्रोक नॉर्मली किसान हमसे आगे मांगता है, पता बहुत से जो ये स्प्रे पंप बेचने वाले हैं उनको भी नहीं है कि 2 को 2 और 4 को 4 क्यों बोलते हैं। 2-स्ट्रोक में 2 स्ट्रोक लगते हैं, इंजन ऑयल मांगता है तो वो थोड़ी एवरेज कम देता है, और एक क्योंकि इसके नीचे इंजन ऑयल पड़ता है उसके पेट्रोल के अंदर ऑयल मिक्स करके डालना पड़ता है, थोड़ा प्रदूषण आवाज और थोड़ी आपकी पेट्रोल की एवरेज। जैसे 2-स्ट्रोक वाला हमारा जो स्प्रेयर है वो आपको 22 स्टेज टंकी की एवरेज देता है, ऐसे ये वाला स्प्रेयर आपको 40 पंप लगाने के बाद भी टंकी के अंदर पेट्रोल बच जाएगा 1 लीटर पेट्रोल में। तो बस इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, नॉर्मली क्या होता है कि नीचे इंजन के अंदर जो है इंजन ऑयल ये बहुत मस्ट भी है क्योंकि वो ज़्यादा नहीं पड़ता, 100 ग्राम ही पड़ता है, तो आपको इसको ये टॉप अप लेवल तक पूरा करके रखना होता है। और ये 10W30 ग्रेड का डालना होता है, यही प्रक्रिया
जो 50cc का अभी हमने आपको दिखाएंगे मॉडल, उसमें भी है इसके अंदर, और उसके अंदर इंजन दोनों सेम होस्टो की हैं, खाली इतना डिफरेंस है कि इसके अंदर ये टाइमिंग बेल्ट चलती होती है, उसके अंदर टाइमिंग बेल्ट है, इसके अंदर टाइमिंग टैबेट चलती है। जो होंडा की टेक्नोलॉजी है वो यही है, और ये नॉर्मल यामा की टेक्नोलॉजी है, तो दोनों है होस्टो की। ठीक है सर, वैसे कोई अगर स्पेशल डिमांड करता है टू स्ट्रोक की तो आप प्रोवाइड करवा दोगे? हाँ, टू स्ट्रोक की बिल्कुल प्रोवाइड करवा देंगे, वो हमारा आता है स्प्रे मैन 999 मॉडल ग्रीस फ्री, वो भी मिल जाएगा। अगर बेसिकली अभी जो है लोगों ने टू स्ट्रोक बहुत यूज़ कर लिया है, तो 100% जो डिमांड चेंज हो गई है वो फोर स्ट्रोक के अंदर डाइवर्ट हो गई। हाँ, इसकी लाइफ भी ज़्यादा है। जी जी, तो सर इसके बारे में बताइए, इस मॉडल के बारे में। ये वाला जो मेरा मॉडल है, ये देखो इसके अंदर तो जैसे यहाँ पे ग्रीस कप लगे हुए हैं, आपको दिख रहे हैं, ये देखो पंप के पीछे, इसके अंदर ग्रीस करने के लिए कोई ग्रीस कप ही नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि इसके अंदर एक तो सेरामिक के प्लंजर हैं और लेदर की वी पैकिंग है। नॉर्मली ग्रीस करने में कोई बुराई नहीं है, होता क्या कि किसान जैसे नया नया स्प्रेयर लेके जाता है तो वो अगले सीजन तक जब इसको रख देता है तो वो भूल जाता है कि ग्रीस भी करनी है, और उसमें ग्रीस नहीं करता तो उसका ऊपर का प्लंजर हमने स्टील का भी डाल के देख लिया, कभी वो कट गया, कभी लेदर उसकी रबड़ की वी पैकिंग कट गई, तो इसमें ये समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि इसके अंदर वी पैकिंग लेदर की है और सेरामिक का जो प्लंजर है। दूसरा आ जाता है इंजन। इंजन नॉर्मली 33, 35, 39 ऐसे इंजन आपने बहुत से देखे होंगे। मेरी ये इंजन जो है हम लोग अर्थोकर में और ब्रश कटर में यूज़ कर रहे थे, तो अभी पिछले 2-2.5 महीने से GX50 इंजन, ये वाला जो हमारा 1050 है, इसके अंदर हम 50cc का इंजन दे रहे हैं। इसका ये बेनिफिट है कि आपने 100 मीटर पाइप लगा लिया, 200 मीटर पाइप लगा लिया, एक जगह पे पंप को रख लिया, तो कोई मतलब आपको परेशानी नहीं है, ये इंजन उतनी दूर तक ले जाएगा। सेकंड जो हमने काम किया, जैसे उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि फिल्टर लगा हुआ है हमारा लंबे वाला, और इसमें भी हमने 2 फिल्टर दिए हैं। ये अगर आप देखोगे नॉर्मली बहुत महीन प्रकार का ये इसके अंदर ये जाली लगा है, तो उसका बेनिफिट ये है कि इसके अंदर से जो क्रॉस होकर चला गया वो इसके बाद ये डबल जाली लगी हुई है, ताकि हमारे वॉल जो है वो डैमेज ना हो और जो केमिकल है वो बिल्कुल क्लीन होकर हमारी टैंकी के अंदर जाए। और पीछे अगर आप आकर देखोगे इस पंप का, हमने जो ये पैड दिया है ये भी बहुत सॉफ्ट दिया है, और ये बेल्ट भी बहुत सॉफ्ट दिया है, यहाँ से उठाने के लिए हैंडल दिया है, मतलब कोशिश की है ये वाला भी सिस्टम जो है ये भी चेंज कंफर्टेबल बनाने की कोशिश की है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अब मैं आपको इसके अंदर जो अगर ये ढक्कन है, इसके अंदर भी पूरी सील है, यहाँ पे सील है। नॉर्मली पंपों के अंदर क्या होता है कि वो जब पीठ पे कंधे पे लगाते हैं तो उनमें लीकेज वगैरह आती है और केमिकल किसान की पीठ के ऊपर गिरता है, और इसके अंदर जैसे आपका गेहूँ कई सीज़न में हम बोलते हैं कि आप फ्लैट पेन नोजल से स्प्रे करो, तो मैं अपने किसान भाइयों को ये भी इस पंप के साथ फ्री देने वाला हूँ। ये देखो ये नोजल जो है बिल्कुल ऐसे चलेगी, अभी थोड़ी देर में डेमो करके दिखाएंगे। और आपको इसको पकड़ने के लिए यहाँ पे हमने एक गन स्टैंड भी दिया है, ताकि आप इसको संभाल के रखो, ये खराब ना हो। तो इधर वाली जो गन इसके साथ हम दे रहे हैं, ये टर्बो गन है, इसके अंदर ये वाले जो आपके शिक्के हैं आगे वाले जहाँ से केमिकल ने ग्रोथ होना है, इसके अंदर हमने 3 तरह के जो सिक्के हैं वो साथ में फ्री दे रहे हैं, प्रेशर को मोटा पतला करने के लिए, ताकि आपका जो भी केमिकल है वो आप उसके अकॉर्डिंग जो ये मोटा सुराग है ज़्यादा लगानी है, कहीं पे पतली लगानी है, नंबर भी है इनके ऊपर, नंबर है ये जैसे 2.5 का 2.6 का, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, एक ये लगा हुआ है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कितना पानी किस फसल में लगाना है वो इस गन के अंदर फैसिलिटी है।
सर ये तो जैसे इनकी क्वालिटी आपने दिखाई बहुत ही शानदार है, उसके बाद जैसे इसकी प्राइस की आते हैं तो प्राइस दोनों का क्या क्या रहेगा? प्राइस मंजी जी, वैसे तो आजकल प्लास्टिक का और सारी चीज़ों का, पीतल का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। प्राइस हमने इसकी जो वो वाला है ना डबल सक्शन वाला पंप है उसकी 12,500 में ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी फ्री रखी हुई है दे रहे हैं। बट अभी जैसे जो भी मेरा किसान भाई एक महीने के अंदर अंदर हमारे को ऑर्डर करता है तो हमें इसको 11,500 के अंदर ही देंगे, और जो आपकी ये स्क्रीनशॉट भेजेगा उसको ये गन तो देंगे ही देंगे, साथ में ये गन फ्री देंगे। ठीक है, तो ये एक तो ऑफर है और इसमें हम लोग ये टर्बो वाली गन देंगे और साथ में ये बूम स्प्रेयर जो गन है जो कॉटन के लिए, गेहूं के लिए, जिस भी पौधे के ऊपर आपने स्प्रे डालनी है वो शानदार गन है। अभी मैं इसकी आपको ये आपने 2000 मॉडल का प्राइस बताया सर, 11,500 और जी, इसका SP 1050 का इसका क्या है? SP 1000 का प्राइस हमने अभी बहुत ही, क्योंकि इंजन की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है तो बहुत ही कंफर्टेबल रखा है, तो इसको ही प्राइस हम लेके आए 14,500। अच्छा, 14,500 के अंदर ऑल ओवर इंडिया हमारी डिलीवरी फ्री है और ये दोनों गन्ने साथ में फ्री है। सर देखिए, किसान भाई आपसे ये प्रोडक्ट खरीद लेता है, बाई चांस उसे कोई प्रॉब्लम आती है प्रोडक्ट के अंदर, तो वारंटी का क्या प्रोसीजर आपका? हमारी देखो वो वाला जो इंजन है, वो वाला जो स्प्रेयर है, उसकी हमारी 1 ईयर फुल वारंटी है। कोई भी मेरा किसान भाई को किसी तरह की प्रॉब्लम आएगी उसको जो भी पार्ट मिलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसके घर तक डिलीवर देंगे। और इसकी इस प्रोडक्ट के लिए हमने 2 ईयर वारंटी रखी है, 2 साल की वारंटी है, 2 साल के अंदर कोई दिक्कत आती है तो हम इसको जो प्रोडक्ट है वो चेंज करके देंगे, जो पुर्जा डैमेज हो गया वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। ओके सर, तो चलिए इनका डेमो दिखाते हैं जी आपको। जी जी कितने फीट है सर लगभग वहाँ तक? बिल्कुल, अभी आपको माप के दिखाते हैं। बस ये देखिए आपको दूरी दिखाते हैं इसके प्रेशर की कितनी है, यहाँ से लेके और वहाँ तक 34 फीट तक हमने यहाँ पर देखिए पूरा गिला है यहाँ जमीन, दिखाइए एक बार फीता, ये देखिए 34 तक, बहुत ही शानदार प्रेशर है इस मशीन का।